सर हमारे दिमाग में ऐसा आइडिया आ गया है कि आज रात तक वो तीनों बंदर हमारे कब्जे में होंगे। आइडिया सुनिए। ओ बिल्लू, मुंडी सीधे रखो ना भैया। मैं नहीं करवाता, गाल कट जाएगा फिर। रोना आ रहा है मुझे ये सोच सोच के कि उन तीन बंदरों की वजह से हमारी ये हालत हो गई है कि हम चाय बनाने और दाढ़ी बनाने की दुकान खोलने की कगार पे आ गए। एक गुड़गुले भी ना ऐसे मौके पे उन्नाव चला जाता है। वेल ब्रो, कैसे भी करके ना हमें पकड़ना है बंदर इज्दा। हसीना है, अगर मछली है तो मैं हूँ समंदर इज्दा। लेकिन भैया वो बहुत होशियार बंदर है, उनको पकड़ने के लिए ना हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एक काम करते हैं, आप बंदर बनो, मैं आपको पकड़ता हूँ। ओके, कैरी ऑन। मेहरबान साहिबान कदरदान, आज ये बंदर आप सबको खेल दिखाएगा, सास ससुर और ससुराल का मेल दिखाएगा। बंदर बता अपने ससुराल दुल्हनिया को लेने कैसा जाएगा। यो बच्चा लोग बजाओ ताली, ससुर को देख के कैसे कूदी लगाएगा। अब ये बंदर गुलाटी लगाएगा। बंदर लगा गुलाटे। मैं तमाशा दिखाने वाला बंदर नहीं हूँ। अच्छा सॉरी भैया, मैंने वैसे ही बंदर देखे ना ज्यादा करके। रामा सॉरी भैया, आपको तो पता है ना मुझे भूलने की बीमारी है। और मुझे ना भूलने की बीमारी है। गोपी जी, मैं घोलू, मैं कुछ बोलू? हाँ बोल। गोपी सर, फिलहाल आप दोनों अपने नौकरी का सोचिए और नहीं तो उस बंदर को कैसे पकड़ना उसके बारे में सोचिए। हाँ हो गया, चलो। वेल ब्रो, शी इज राइट इज द हसीना है, अगर गुड है तो मैं हूँ नाइट इज द। वेल ब्रो कुछ सोच यार, कुछ सोच, क्या करे। सोच रहा हूँ भैया, टाइम तो दीजिए सोचने का, कुछ सोच लो। या जैसे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, वैसे ही आज बंदर बंदर को काटेगा। मेरे दिमाग में ऐसा एक आइडिया आ गया है, आज रात वो बंदर हमारे हाथ से बच के नहीं जा सकेंगे। वेल ब्रो व्हाट डू यू मीन इज द हसीना है, अगर जापान है तो मैं हूँ चीन इज द। आइडिया सुनिए भैया। मैं तो ये कहूंगी कि यो डांट वाली गन जो है ना, कमाल की चीज है। मन ने तो लग रहा था कि हमारी डांट सुन के ही बंदर भाग जाएंगे, लेकिन भगाने नहीं है ना, पकड़ने हैं। तो जैसी दिखेंगे यो डांट, मैं ऐ करके निशाना मारूंगी और वहीं बंदर बेहोश। क्या कहते हैं आप? है जी, क्यों गए सर? हवा काफी तेज है सर, बंदर भी घने तेज हैं। चलिए पकड़े, चलिए। हाँ, कैसी हो? दाल बना रही हो? अच्छा सुनो, टिकट जो है कंफर्म हो गया है हमारा, हम फटाफट आ रहे हैं। हाँ अरे एसी में भाई, उसके नीचे कहाँ। अच्छा सुनो, आते ही फटाफट शादी की बात होगी और फिर जो है फौरन गौना, और वो भी पूरा, ना आधा ना पौना, निपटवा देंगे पंडित जी। हाँ इसीलिए तो आ रहे हैं। गुड संडे। अच्छा
तीन की जगह दो बंदर, वो भी स्कूटर पे। ओ बिल्लू, भैया मैंने आपकी बंदर की ड्रेस पे ना ढेर सारा लेडीज परफ्यूम लगा दिया है, अब वो बंदर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। और जैसे ही वो बंदर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, मैं उन पर बेहोशी का पाउडर छिड़क के उन्हें बेहोश कर दूंगा और फिर हम दोनों मिलके उन्हें पकड़ लेंगे। वेल ब्रो, थोड़ा करो सबर इज्जा, फेस को करो कवर इज्जा। ये पुलिस तो कुछ भी नहीं कर रही है, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हुस्न हड़कंप है, इश्क हेडपंप है, क्यों जी? हाँ, इसके पहले कि ये बंदर हमारे घरों में फिर से चोरी करें, इन्हें पकड़ना ही होगा। कोल्ड कॉफी चलेगी। अरे एक बार मुझे वो बंदर दिख जाए ना, फिर डंडे से ऐसी सुताई करूंगी ना कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा। गार्डन गाजियाबाद है। ये तो सिर्फ दो ही है। अरे तो है तो क्या हुआ किशोरी, इन दोनों ने भी तो की थी चोरी। हाँ आज हम ये कह रहे हो, तुम जल्दी नहीं है तो मत करो शादी फिर। अरे मुश्किल पड़ गया है टिकट लेने में, कंफर्म हो गया है और उसके बाद आ रहे हैं, तुमको शादी भी आराम आराम से चाहिए, ऐसे ना हो पाएगी समझ। अरे साहब हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। अरे जाना एक बार बता, तू इस एरिया में ऑटो चला बे? हाँ मैडम, यही यही बस आना जाना आसपास। फोन पे किससे बात कर रहा था? होने वाली है अभी मामला। क्या बात है। अच्छा सुन, यहाँ तेने किसी कभी बांदर वांदर को तो नहीं देखा कभी? हाँ 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 मैडम, देखा हमने। पहली बार देखा तो तीन थे बाइक में जा रहे थे, दूसरी बार देखा तो दो थे स्कूटर में जा रहे थे। साहब अरे रात को भांग पी रखी है क्या? स्कूटर पे जा रहे थे बाइक पे? बंदर क्या स्कूटर बाइक पे जाएंगे? नहीं नहीं साहब, भांग कैसे, बड़ा जिम्मेदारी की जॉब है हमारी। ऑटो चला कहाँ देखा है बताओ, कहाँ है? नहीं अभी बात कर रहे थे फोन पे, सामने से निकले यहाँ। तो बता ना, दिखा ना। अरे अरे चलिए ना, हम बताते हैं, दौड़ के। हट जाओ हट जाओ, एक मिनट पकड़ लिया। मैं छोड़ा वो डार्ट वाली गन चलाई है। अरे अरे छोड़ा, आपने हमें मार दिया। अरे सॉरी सर, सर वन मोमेंट प्लीज। अरे सर इट विल बी अ गुड नाइट टुनाइट सर, यू विल स्लीप वेल। तू क्या देख रही है? सर दो बंदर तो पकड़ में आ गए हैं, वेल एंड गुड, पर तीसरा अभी बाकी सर। मिस चौटाला दो मिल गए ना, तीसरा भी मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हमें अच्छा नहीं लगता है जब आप टेंशन लेती है, यू विल फाइंड इट। सर काम ही अपना ऐसा है कि जब देखो टेंशन है ना। सर वुड यू केयर फॉर सम ग्रीन टी? नहीं नहीं, आप पीजिए आप पीजिए, सर इट्स वेरी गुड फॉर द गट। एक्सक्यूज मी मैडम, टाइगर टॉमी है बा। अरे तुम्हारा टाइगर टॉमी हो चाहे मोती हो, चाहे तुम्हारा टाइगर ब्रूनो हो जाए, पर बढ़िया वाली बात यह है कि तुम आ गए हो एकदम मौका है, टाइमिंग पे है। तो जरा एक बात सुनो, ये देखो अपने दो बंदर पकड़े हैं, इस पे जरा चेक करके बताओ तुम्हारे हार्मोन से कोई इंसान बंदरों जैसा हो सके कि नहीं, जरा चेक करो। नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, वही तो बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि मेरे लैब से जो मंकी हार्मोन चोरी हो गए थे वो मुझे मिल गए हैं। यार तुम अजीब थर्ड क्लास आदमी हो यार, इतनी जो है इन्वेस्टिगेशन करा ली, कह रहे हो कि तुम्हारे चोरी नहीं हुआ है। हम सोच रहे थे हमने जो है पकड़ लिए बांदर,
मम्मी जी, मम्मी। ओ बिल्लू। गोपी। बिल्लू। अबे तुम बंदरों की खाल में क्या कर रहे हो? Well, mom, I am sorry. Is the truck, car, and lorry is the? अबे तेरी मैं जो है ना बस, कार और लॉरी एक एक करके चढ़ा दूंगी थारे पे, कुचल दूंगी, रोन दूंगी, मैं कतई पापड़ बना दूंगी सड़क पे लटा के। क्या कर रहे हो खाल के अंदर तुम, बताओ बंदे? वो मैडम, वो हम लोगों ने सोचा कि मैडम हम लोग बंदरों को पकड़ लेंगे और आपकी मदद करेंगे, लेकिन लोगों ने हमारी डंडों से खूब सुताई की। देखे, 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 देखे। तुम्हारी तुम्हारी समझ ही ना आ रहा है कि कैसे पता लगाए उन बंदरों का, व्हाट अ केस यार। एक मिनट, क्या है? अरे अरे मैडम, हमने जब उन तीन बंदरों को पहली बार देखा था तभी उनकी फोटो हमने खींच ली थी। अबे गलुए, कतई गुब्बारे से गाल लिए डोल रहा है यहां से वहां, यो नहीं बता दे पहले यो बात, दिखा फोटो। हाँ, ये देखिए। सर, मिल गए बंदर। चाबी कहाँ गई? थैंक गॉड आपके पास हमारी चाबी है, प्लीज दे दीजिए, मन्ने देर हो रही। आपकी चाबी हमारे पास क्या कर रही है? पता नहीं, चलिए चाबी से पूछते हैं कि ये भाई हमारे पास क्या कर रही है। क्यों बे चाबी, हैं? हमारे पास क्या कर रही है तू, नॉटी? अच्छा, करेक्ट करेक्ट बोल, मैं चौटाला, चाबी हमसे बोल रही है कि आपको उन बंदूरों के पास अकेले नहीं जाना चाहिए और हमें आपके साथ जाना चाहिए। सर मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, ज्यादा लोगों को ले जाने से बंदर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मैं कोई रिस्क ना लेना चाहती। आज मैं इन बंदरों की कहानी का आखिरी अध्याय लिख दूंगी एट एनी कॉस्ट। लाइए चाबी दीजिए सर प्लीज। देखिए शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको यही करना चाहिए, लेकिन वाव सर, आपके बाइसेप्स एकदम कट्स आ गए, आर यू वर्किंग आउट आजकल? आए बड़े, अबे शोला क्या कर रही है, ये गन है ये? सर आप तो जानते हैं, कोई भी मारे और मारे फर्ज के बीच में अगर आवे तो मैं क्या कर सके हूँ? हमारे साथ मजाक कर रही है, हम नहीं जाने देंगे आपको। जाइए जाइए, उसमें क्या है? हाँ ऐसी बात है तो निकली है, निकली है। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, अरे हटो सामने से, हटो हटो हटो। आई डोंट थिंक वो हमें गोली मारती। मिस चौटाला का मैसेज, You are very cute. You too. अरे, अबे रुक!
अरे जोगनू भाई, ओह माय गॉड, तुम? हाँ, जोगनू ड्रेस वाला जो लोगों को जानवरों की खाल किराए पे देता था, तुमने भी ली थी ना इसी से, बांदरों की खाल किराए पे। ना सिर्फ लोगों को खाल देता था किराए पे, बल्कि उन बांदरों का सरदार भी था जो टिमरकन टोला में लोगों के घरों में घुस के चोरियां करते थे। क्यों रे? ये और इसके दो और साथी बांदरों की खाल पहनते थे और कोहराम मचाते थे। एक मिनट मैडम, एक मिनट। ये सही है मैडम कि मेरे ही तीन नौकर ये काम कर रहे थे, और ये भी सही है मैडम कि ये प्लानिंग मैंने ही बनाई थी। लेकिन मैडम मुझे एक बात बताइए, ये आपने कैसे जान लिया कि ये सब कांड मैं कर रहा हूँ? ये मैंने इसलिए जान लिया क्योंकि मैं पुलिस में हूँ, है ना? और चोर चाहे जितना भी सातिर क्यों ना हो, पुलिस की पैनी नजर से बच ना सकता। तैने खाल तो बनवा ली, लेकिन अपना टैग उसमें से निकालना तो भूल गया। जुगनू ड्रेस वाला, यानी कि तू। डालो इसे अंदर। आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसा नहीं कहो। आगे से ध्यान रखूंगा मतलब कौन सा? तैने आगे जाके कॉलेज करके एमबीए करके शादी करके एनआरआई बनना है? आगे थारी काल कोट रही है, जेल है जेल। डालो ससुरे को अंदर, प्लानिंग कर रहा आगे से नहीं करूं। एक्सक्यूज मी, हां कम ऑन रबिश जेंटलमैन। गेहूं के साथ गुण।